मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की रामपुर रोड पर बसाई गई एकता विहार आवासीय योजना में अमृत कुंज योजना के भूखंड व प्लॉट्स की लॉटरी की प्रक्रिया को 24 जनवरी को प्राधिकरण के सभागार में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्राधिकरण कार्यालय पर की जा रही हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि जनता के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी अलग अलग योजनाओं में आवासीय भवन प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अमृत कुंज योजना के भूखंड व प्लॉट्स के लिए पूर्व में आवेदन की प्रक्रिया को किया गया था और अब अमृत कुंज योजना के लिए 24 जनवरी को लॉटरी की प्रक्रिया प्राधिकरण के सभागार में की जाएगी। इस लॉटरी की प्रक्रिया में 175 भूखंड और 208 बहुमंजिला भवन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी रामपुर रोड पर भी एकता विहार योजना है, उसके अंतर्गत अमृत कुंज नई स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी। उसके अंतर्गत 175 भूखंड और करीब 208 हमारे बहुमंजिला आवास थे। उसमें जो प्रथम चरण की हमारी स्कीम निकली थी उसके अंतर्गत 175 प्लाटों के सापेक्ष लगभग हमें 450 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी, जिनमें हम लोगों ने परीक्षण किया एप्लीकेशन का और बीच में हम लोगों ने जिनकी एप्लीकेशन में कमियां पड़ गई थी उसका कम्युनिकेशन भी किया था अखबार के माध्यम से। तो उस संबंध में अब जिन लोगों को सुधार करना था उन्होंने अपना जमा कर दिया कार्यालय में, 16 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। अब उसको भी शीघ्र पब्लिश किया जाएगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं जिनकी लॉटरी में पार्टिसिपेट करेंगे। लॉटरी की तिथि भी निर्धारित हो गई है 24 जनवरी को प्रातःकाल 11 बजे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का भी दिल्ली रोड स्थित ऑफिस है, यहाँ पर इसके परिसर में लॉटरी का आयोजन किया जाएगा। लॉटरी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के अंतर्गत होगी। मेरा आह्वान रहेगा जितने भी हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं जो आवेदकगण हैं वो स्वयं उसमें प्रतिभाग करके इसमें अपने सामने जो है लॉटरी होते हुए देखें। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी मन मुताबिक या जैसा उन्होंने अप्लाई किया है उनको उसमें प्लॉट और भूखंड मिल सके।